सीएए पर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष को सीएए पर जमकर धोया, जिसके बाद कांग्रेस अब अमित शाह से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उनकी उस टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति संशोधन नागरिकता कानून से प्रभावित नहीं होगा और पूछा कि ऐसा है तो फिर मुसलमानों को इस कानून से बाहर क्यों रखा गया है। दरअसल कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि सीएए के कारण किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर एक पोस्ट में पूछा कि गृह मंत्री का कहना है कि सीएए से कोई अल्पसंख्यक प्रभावित नहीं होगा, अगर यह सही है तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि सीएए से कौन प्रभावित होगा। अगर सीएए से कोई भी प्रभावित नहीं होगा जैसा अभी है तो सरकार ने कानून क्यों पारित किया। दरअसल कांग्रेस बार बार यही सवाल उठा रही है कि आखिर इस कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। असल में कांग्रेस को परेशानी सीएए से नहीं है, बल्कि कांग्रेस इसलिए परेशान है कि इस कानून से मुसलमान दूर है। कांग्रेस की असली चिंता वोट बैंक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।